बात की जाए जैसे मिमिक्री होता है या कैमोफ्लेज होता है, तो बटरफ्लाई में भी देखा जाता है, यही सेम बटरफ्लाई प्लैंड टाइगर है। इसमें जो है एलिमिनियस हाइपरमिनिस्ट्रा जो कॉमन फार्म फ्लाई है वो मिमिक करती है प्लैंड टाइगर को। लाइक प्लैंड टाइगर पॉइजनस बटरफ्लाई हो गई, तो एलिमिनियस जो दूसरा कॉमन फार्म फ्लाई है वो पैलेटेबल है, बर्ड्स उसको खा सकते हैं, बट वो नेचर में क्या करती है, प्लैंड टाइगर को मिमिक करती है ताकि वो प्लैंड टाइगर जैसा पॉइजनस दिख सके। और उसी तरह से जो कॉमन पाम फ्लाई का फीमेल है वो डबल बैंडेड क्रो जो पॉइजनस अगेन पॉइजनस स्पीशीज है उसको मिमिक करती है। ये नेचर में मॉडल मिमिक्स पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा नेक्टर प्लांट की बात करें, जैसे होस्ट प्लांट तो है कि होस्ट प्लांट स्पेसिफिक रहता है हर बटरफ्लाई का, बट नेक्टर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जो एडल्ट बटरफ्लाई है वो नेक्टर प्लांट्स पे फीड करती है। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को मैंने थोड़ा सा लिस्ट किया हुआ है, जैसे सीरसियम, लैंटेना, मोर देन 70% ऑफ बटरफ्लाई फौना जो हमारे जम्मू कश्मीर का वो लैंटेना पे ही फीड करता है। बहुत सारी बटरफ्लाई जो लैंटेना कमारा पे जो है एग भी ले करती है, जैसे कॉमन एमिग्रेंट बटरफ्लाई आ जाती है, रपाला मानिया जो आ जाती है वो बटरफ्लाई भी एग ले करती है। और बाकी ये आपको बटरफ्लाई गार्डन कहीं पे भी बनाना, अपने घरों में भी बनाना, तो ये पिंक कलर को जरूर लगाएं। यूकिया स्पीशीज पे भी मैंने काफी तरह की बटरफ्लाई स्पीशीज को अट्रैक्ट करते हुए देखा है। सीरसियम वैली जाना या सीरसियम वगैरह की जो आर्वन स्पीशीज है ये भी हिमालयन रीजन में पाया जाता है, इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बटरफ्लाईज जो है अट्रैक्ट होती है। हेमिलिया पेटन्स एक और प्लांट है जिसपे भी बहुत सारी बटरफ्लाईज अट्रैक्ट होती है। और वर्बीना ब्राजीलेंसिस, भुदलेजा एसिएटिका जैसे ये बटरफ्लाई बुशीज का नाम है, लैंटेना की बहुत सारी स्पीशीज आ जाती है। और हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जिनके नाम के साथ ही कश्मीर नाम भी है या उनकी स्पीशीज के नाम से के साथ कैश्मीरेंसिस है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स बताई हुई है, पाइग्रस कैश्मीरेंसिस हो गई या ग्रेफियम कैश्मीरेंसिस हो गई, इप्टीमा कैश्मीरा जो कश्मीर फोर रिंग के नाम से जाना जाता है, या कश्मीर चेकर्ड ब्लू, आईफोनेफिली कश्मीरिका, क्रीमिया कश्मीरेंसिस, ये सब स्पीशीज है जिनके साथ कश्मीर का नाम जो है लगाया जाता है। और पॉलीगोनिया सी एल्बम कश्मीरा जिसको कश्मीर कॉमा भी बोला जाता है। और बाकी हमारे जम्मू कश्मीर में परनासिस जीनस की जो है 5 स्पीशीज है, परनासिस जीनस की 5 स्पीशीज के मैंने पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई हुई है। और नेक्स्ट मैं बात करती हूँ स्टेट बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई के लिए मैंने एक बटरफ्लाई सजेस्ट करी हुई है, एग्रियस कश्मीरेंसिस। अगेन इस बटरफ्लाई की एक खासियत है कि इसके नाम के साथ कश्मीर वर्ड आ रहा है और ये काफी बड़ी तितली है और काफी खूबसूरत तितली भी है। इससे पहले हमारे अगर इंडिया की बात की जाए तो महाराष्ट्र की ब्लू मॉर्मोन बटरफ्लाई महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई है, कर्नाटका की सदर्न बर्ड विंग है, केरला की मालाबा बैंडेड पिकॉक है, उत्तराखंड की कॉमन पिकॉक है, तमिलनाडु ने भी रिसेंटली तमिल येमोन को डिक्लेयर किया था स्टेट बटरफ्लाई, और सिक्किम ने 2021 में अपने स्टेट बटरफ्लाई को डिक्लेयर किया कृष्णा पिकॉक। और हमारे मैं चाहती हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर की एक स्टेट बटरफ्लाई हो एग्रेस कश्मीरेंसिस। और आज फिर से मैं एक बारी सर को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ कि हमारा 12th फाउंडेशन डे है ट्री टॉक का, और 12th ट्री टॉक है आज हमारी, और मुझे 9 साल हो गए इस ट्री टॉक के साथ जुड़े हुए। अगर पेड़ नहीं होते तो मैं बटरफ्लाई का कभी भी नहीं जान पाती। बाकी थ्रेट्स वगैरह भी होते हैं हमारी बटरफ्लाई डायवर्सिटी को, जैसे हैबिटेट लॉस हो गया, इलीगल ट्रेड होता है, बायोटिक प्रेशर, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जनरल इग्नोरेंस एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस। थैंक यू।